नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे शेयर करूँगी कुछ बातें मनी प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि हर कोई अपने घर में लगाना चाहता है, और ये हैंगिंग बास्केट में भी सुंदर लगता है। आप इसको मॉस स्टिक में लगाओ, हैंगिंग बास्केट में लगाओ, ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी कई सारी वैरायटियाँ आती हैं और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये। पानी में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, आप इसको मिट्टी में छोटी सी छोटी कटिंग लगाएं तो ये भी ग्रो हो जाती हैं। तो मैं आज आपके साथ छोटे छोटे एक दो टिप्स शेयर करूंगी, जिससे कि आप जो है विंटर सीजन में अपने मनी प्लांट को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मेरा ये है नियोन मनी प्लांट, ये देखिए, ये मैंने इंडोर रखा हुआ है और बास्केट में है। ये मनी प्लांट मेरा बास्केट में है और इंडोर रखा हुआ है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। उसके बाद ये है ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट, शायद आपने पिछले किसी वीडियो में देखा होगा। ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, इंडोर रखा हुआ है मैंने इसको। और ये भी है एक मनी प्लांट, इसमें जो है अलग से थोड़ा सा वैरायटी है। बीच में ये लाइनिंग है, इसका नाम मुझे अभी एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है का नाम, बट ये भी एक दूसरी वैरायटी है मनी प्लांट की। ये भी मैंने इंडोर रखा हुआ है विंटर में। और एक ये है, इसको भी मैंने थोड़ा सा क्रिएटिविटी करके जो है एक ये शेप दिया था, तो ये भी इंडोर में रखा हुआ है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। थोड़ा सा विंटर सीजन में जो है मनी प्लांट या किसी भी इंडोर जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाती है। बस विंटर में हमें जो है इनको इतनी केयर करनी है कि ये बस जो है इस सीजन या विंटर में इनको बचा सके हम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए आप, ये मेरा एक मनी प्लांट है, ये मैंने बाहर आउटडोर रखा हुआ था। तो आउटडोर रख के मैं सुबह इसको वॉश कर रही थी, क्योंकि जो मेरे आउटडोर वाले प्लांट है मैं उनको 1 वीक या जब मुझे टाइम मिलता है मैं उनको वॉश करती हूँ। तो मैं इसको सुबह वॉश कर रही थी, तो मुझे इसकी पत्तियाँ ये दिखाई दी, ये देखिए इसकी ये पत्तियाँ कुछ ख़राब हो रही है और नीचे गिर गई हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो है विंटर में आउटडोर रखा हुआ है। अगर मैंने इसको इंडोर में रख, कोई भी प्लांट्स ख़राब नहीं हो रहा है, सारी की पत्तियाँ हेल्दी हैं, लेकिन ये प्लांट मैंने बाहर रखा हुआ था, तो इस वजह से जो है इसमें जो रात की ठंडक है और जो कोहरा है या पाला जो रात को होता है वो जो उससे जो है इसकी पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं। तो आपको सबसे पहले जो है विंटर में अपने जो मनी प्लांट है आपने आउटडोर रखे हुए हैं उनको इंडोर रख लीजिए। ऐसी जगह पे रखे जहाँ उन्हें ब्राइट लाइट मिले, सनलाइट ना भी मिले तो भी चल जाएगा, ब्राइट लाइट मिले और बिल्कुल जो है रात का जो कोहरा उनको ऐसी जगह पे रखें ताकि जिससे जो कि कोहरा उनके ऊपर ना गिरे। और दूसरी बात जो है पानी आपको बिल्कुल कम देना है। देखिए मेरे सारे मनी प्लांट की जब मिट्टी इसमें है, ये इसकी मिट्टी गीली है, इसमें भी मैं बहुत दिनों में पानी दे रही हूँ, 1 या 3 या 4 डेज के बाद मैं इनमें आजकल पानी दे रही हूँ। ये मैंने बाहर रखा हुआ था, इसमें भी बहुत दिन से मैंने पानी नहीं दिया था, बस आज मैं पानी देने जा रही थी तो मुझे इसकी पत्तियाँ, तो मुझे लगा कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है बात है, जो जानकारी है आप जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि जो है हमारा जो मनी प्लांट भी है या इंडोर प्लांट है हमारे सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, एक तो उसमें विंटर में जो है उसमें वाटरिंग बहुत कम करें, पानी कम डालें, आपका प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप पानी कम डालते हैं प्लांट्स में, अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो उससे जो है आपका प्लांट ख़राब हो जाता है, गल जाता है, उसकी पत्तियाँ गलने लग जाती है, स्टेम जो है इसकी रूट्स जो है गलने लगती हैं। तो आपको सर्दियों में जो है मनी प्लांट में केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो आपको इसको पानी कम देना है और दूसरा जो है आपको इसको ऐसी जगह में प्लेस करना है जहाँ पर जो है इसको डायरेक्ट जो है रात की जो है ठंडी पाला जो गिरता है वो ना गिरे। तो ये थी मेरे एक मनी प्लांट के ऊपर एक छोटी सी जानकारी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मनी प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।